हेलो गाइस, ये है हमारा टॉप फर्स्ट डे सीरीज जिसमें आपको मिलेगा 20 क्वेश्चंस। मैं फटाफट रूल्स बता देता हूँ। आपको एक कॉपी उठाना है, कॉपी पे 1 से 20 तक का मार्किंग करना है, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड मिलेंगे और 15 सेकेंड में आपको 10 सेकेंड यूज़ करना है क्वेश्चन के लिए, 5 सेकेंड आपको अपने रिलैक्सेशन के लिए रखना है। 10 सेकेंड के अंदर ही आपको जो आपका सही ऑप्शन होगा ए बी सी डी, आप अपने कॉपी पे उसको नोट डाउन करोगे और इसी तरह आप करते करते 20 क्वेश्चन तक पहुंचोगे। जब आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब आप अपना स्कोर कमेंट में नीचे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका सॉल्यूशन आएगा, आपका सही आंसर आपको बताया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करो आज का सेट।
तो अभी आपने टेस्ट दिया और आई होप कि आप अपने अगर पूरा टेस्ट दिया तो आप इसका मार्क्स नीचे अपलोड करोगे, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा एक रूड वे में बोल रहा हूँ, जो भी इस सेट को देखते हो, मैं नहीं जानता कितने आदमी देख रहे हो, कितने इससे बेनिफिटेड हो, क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे हैं, पर अगर आप देख रहे हो तो इतना अपने अंदर इतना करेज रखो, आपको एक ही मार्क्स आए तो आप उसको अपलोड करो। यार जिंदगी में अगर आप सामने आके खेलोगे नहीं ना, तो फिर कहीं पे भी आप विनर नहीं बनोगे, कभी भी नहीं। आप एग्जाम में अपेयर होते हो और अगर फेल हो जाते हो तो फिर मुंह छुपा के अगर बैठे रहते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एग्जाम को फेस करने का आप में वो एबिलिटी ही नहीं था, आप कभी पास ही नहीं करोगे। इसे मैंने जो पिछला टेस्ट, आई डोंट नो कि कितने लोगों ने उसे अटेंड किया, पर जो जिसने भी किया, अगर जो भी व्यूज आ रहे हैं, जितने भी लोगों ने उसको अटेंड किया, उनका मार्क्स कहाँ है? उन्होंने अपलोड नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनका वो लेवल ही नहीं है कि वो ये टेस्ट दे सके, और अगर ये टेस्ट वो नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब उनका लेवल ही नहीं है कि वो एग्जाम में अपेयर हो सके, ठीक है। आपको मत इससे मतलब नहीं है कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, आपको आउट ऑफ 20 अगर 2 ही मार्क्स आ रहा है तो उसको आप अपलोड करो, ताकि आप ये दिखाओ सामने से कि हाँ आपको नहीं आता है, तब आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने गलती को छुपाते रहोगे तो जिंदगी में आप कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है। तो आई होप कि अगर जो भी सीरियस हैं, जिनको भी सीरियसली जो भी टेस्ट देते हैं, तो वो आज से अपना कम से कम मार्क्स अपलोड जरूर करेंगे कितना उनको आया। और डोंट वरी, आपके जैसा बहुत है जो आउट ऑफ 20 10 भी नहीं बना पाते हैं, 5 भी नहीं बना पाते हैं, पर धीरे धीरे उनके अंदर वो इम्प्रूवमेंट आएगा अगर वो रेगुलर रहेंगे तो। और अगर आप छुप के बैठे रहोगे तो फिर आप, मैं अभी ये लिख के दे दूंगा, आपका कभी कहीं पे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप छुप के भी बैठे रह जाओगे, आपको कोई देखेगा नहीं कभी, ठीक है। आप छुपे रहो, कोई बात नहीं है। तो जो भी सीरियस हैं और जिनको अच्छा लग रहा है, वो आंसर अपना जरूर अपलोड किया करो, ठीक है। चलिए देखते हैं आप सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन आपका था, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? किसने प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापा था? ये मापा था रोमर ने। आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में आपसे बार बार पूछा जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी वेकअप में प्रकाश की चाल, तो ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है। और फिर दूसरा इससे आपको ये पूछ सकता है कि पानी में यानी जल में कितना होता है, तो ये होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है। ये जल और निर्वात में आप याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कोरिनोग्राफ। कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, तो कोरिनोग्राफ का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? तो कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने के लिए, ठीक है। कोरिनोग्राफ का यूज कैसे करते हैं हम लोग? तो कोरोना, आप जानते हो सूर्य का जो कोरोना होता है, उसको देखने के लिए और उसका फोटोग्राफ लेने के लिए आप यूज करते हो कोरिनोग्राफ का। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? वो कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले यूज किया गया था? तो वो है फोर्ट्रेन। कौन सी भाषा है? फोर्ट्रेन। अगला क्वेश्चन आपका था, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग शरीर के अंदर नहीं होता है, किसके कारण से? बहुत इजी क्वेश्चन था, हिपेरिन। हिपेरिन के कारण ही शरीर के अंदर रक्त थक्का नहीं जमता है। और शरीर के बाहर जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो अनिवार्य प्रोटीन है वो कौन सा है? वो है आपका फाइब्रिनोजेन, ठीक है, यानी फाइब्रिन या फाइब्रिनोजेन। तो ये आपको आता होगा, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था, यानी कौन सा वो यान था जो मनुष्य के साथ गया, ठीक है। मनुष्य सहित, आप इसको समझना कि मनुष्य सहित जो यान जाने वाला था वो था अपोलो 2। कौन सा यान था? अपोलो 2। और आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव ये सहित है, ठीक है, आपसे मानव रहित पूछा जाता है, वो है लूना 16। आप ये दोनों याद रखना, लूना 16 ये मानव रहित था और मानव सहित है आपका अपोलो 2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, वो है अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थाई केंद्र स्थित है? अंटार्कटिका के किस भाग में भारत का अस्थाई केंद्र स्थापित है? कौन सा वो पॉइंट है, कौन सा एरिया है? वो है आपका क्वीन मैरी लैंड। क्वीन मैरी लैंड यहाँ पे भारत का जो अस्थाई केंद्र है वह स्थापित है। भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल डॉक्टर SZ कासिम, ये नाम याद रखना, डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में
6 दिसंबर 1981 को मामगियो, जो गोवा में एक बंदरगाह है, ठीक है, मामगियो ये गोवा में एक बंदरगाह है, मामगियो से एक नॉर्वेजियन जहाज जिसका नाम था पोलर सर्किल, ठीक है, ये भी आप याद रखना कि नॉर्वेजियन जहाज था जिसका नाम था पोलर सर्किल, उससे रवाना होकर 9 जनवरी 1982 ईस्वी में ये अंटार्कटिका पे पहुंचा। यानी पहली बार जो अंटार्कटिका पे हमारा जो जो भी यहाँ के प्रतिनिधि थी जिनका नाम था डॉक्टर एस जेड कासिम, ये 1982 में पहुंचे, लेकिन ये चले थे 1981 में। अब आपको यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि जो अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र भारत का है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ये दो नाम आपको याद रखना है, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ये दो भारत का अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका था निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना से आगे, ठीक है। और आप इसको ट्रीट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आप किस तरह का लेंस यूज करते हो, आप यूज करते हो अवतल लेंस, कौन सा लेंस, अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस आप इसका यूज करते हो, ठीक है। तो आपका ये भी क्वेश्चन इजी ही था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग 1.5 डिग्री का कोण बना होता है, कितने डिग्री का कोण होता है, आप यहां से याद रखना है पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष दोनों के बीच में कितना होता है, 18 डिग्री का कोण होता है। अगला जो क्वेश्चन था वो तो आपका निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है, कौन से नदी का बेसिन सबसे बड़ा है, तो ये है गोदावरी नदी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, गोदावरी नदी का बेसिन सबसे बड़ा है, ये आपको यहां से याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन था वो था कि द्रविड शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है, कौन सा निम्न में से कौन सा ऐसा है जो द्रविड शैली का सबसे बढ़िया उदाहरण है, कौन सा है वो है तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर द्रविड शैली से निर्मित हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन आप यहां से ये याद रखना, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर किस शैली से निर्मित है, ये है द्रविड शैली से। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था वो पूछा था कि जो भी आपके ऑप्शन हैं इसमें से द्रविड शैली का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है, तो ये है द्रविड शैली का तंजावुर का मंदिर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है वो है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते हैं, तो गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उसको कहा गया था रूपक, क्या कहा गया था, उसको कहा गया था रूपक। और दूसरा चीज जो आपको यहां से याद रखना है वो है कि सोने का सिक्के, ठीक है, सोने का जो सिक्का था उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था दिनार, क्या कहा जाता था दिनार। और चांदी के सिक्के से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि चांदी का सिक्का जो चलाया था वो कैसे क्यों चलाया गया था, वो चलाया गया था सकपे विजय के उपलक्ष्य पर चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था शकों के विजय के उपलक्ष्य, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। लेकिन जो साम्राज्य में जो विस्तृत हुआ ये रूपक जो है, चांदी का सिक्का जो ये साम्राज्य में जो फैला यानी अधिकतम जो यूज होना चालू हुआ वो हुआ आपका स्कंद गुप्त के टाइम, किसके गुप्त में, किस गुप्त शासक के टाइम में, स्कंद गुप्त के टाइम में। ये दो तीन चीजें हैं आपको यहां से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री का, ठीक है। सबसे पहला चीज ये आपको याद रखना है कि आपका जो आंसर है वो तो है, ठीक है, लेकिन आपको यहां से देखो मंगोलों का अनुसरण करते हुए ये भी याद रखना है कि किस दिल्ली के किस सुल्तान ने मंगोलों के अनुसरण को करते हुए दशमलव प्रणाली पर अपना जो सेना था उसका प्रबंधन किया था, तो वो है अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, आप नाम जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी हिस्ट्री का एक बहुत ही चर्चित आपका कैरेक्टर है, ठीक है। इन्होंने जो सेना का प्रबंधन किया वो बेस्ट रहा अभी तक के इतिहास में, और सेना को नगद वेतन जो दिया जाता है, ठीक है, यहीं से लिया गया था, मंगोलों को देखकर उन्होंने लिया था कि सेना को नगद वेतन और अस्थाई सेना का नींव इन्होंने ही रखा भारत में पहली बार, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना, पहले क्या होता था, पहले जब जरूरत है तो सेना को बुला लिया जाता था फिर वापस भेज दिया जाता था, लेकिन अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखना चालू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने और भी कुछ किया था, जैसे घोड़ा दागना, ठीक है, घोड़ा दागना, सैनिकों का हुलिया लिखने और इस तरह के बहुत सारे प्रथा उन्होंने चलाया था। दो आपको याद रखना है, क्या, घोड़ा दागना और सैनिकों का हुलिया लिखना, ये दो प्रथा इन्होंने चलाया था।
कुछ और बातें हैं अलाउद्दीन खिलजी से जो आपको याद रखना है, वो है कि दैवी आधारित, ठीक है, दैवी अधिकार के सिद्धांत पर किसने राज किया, ये अलाउद्दीन खिलजी, ये दैवी अधिकार पर राज करते थे, ठीक है। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वो था सिकंदर ए सानी, ठीक है, सिकंदर ए सानी, ये उपाधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि सिकंदर ए सानी का उपाधि किसने धारण किया था, सिकंदर ए सानी का उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली सबसे अच्छा और सबसे दृढ़ता से किसमें अपनाया गया था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किसके काल में लागू किया गया था, यह अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, ठीक है। और अलाउद्दीन के बचपन का नाम भी आपको यहां से याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, इसका नाम था अली, क्या नाम था, अली, और दूसरा नाम था इसका गुरसप्पा, आप इसको लिख लेना, ठीक है, अली और गुरसप्पा, ये अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है आपका कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है, इसका होता है कि बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना शून्य आधारित बजट होता है, ठीक है। अच्छा, शून्य आधारित बजट जो चालू हुआ था, ठीक है, वो चालू किस देश ने किया, ये क्या है, अमेरिका ने, ठीक है, इसको आप शून्य काल से कंफ्यूज मत करना, शून्य काल एक होता है आपका सेशन के टाइम है, जब आपका संसद का सेशन लगता है, ठीक है, पार्लियामेंट का सेशन होता है, उसमें एक आपका शून्य काल होता है, जीरो आवर, वो दिया है इंडिया ने, जीरो आवर दिया है इंडिया ने, लेकिन शून्य आधारित बजट दिया है अमेरिका ने, ये दो बातें आप यहां से क्लियर कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका था कि मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन का सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है निश्चित आय वाले व्यक्ति पर, ठीक है, वो इंसान जिसका आय बिल्कुल निश्चित है, यानी कोई फिक्स सैलरी वाला इंसान है, ठीक है, जो भी कहीं पे काम करने वाले हैं, सर्विस मैन है, जिनको फिक्स सैलरी मिलता है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन में। अब मुद्रास्फीति आप जानते हो, मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है और महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है लेकिन महंगाई बढ़ जाती है, जिसके कारण से जो फिक्स्ड आय वाले हैं, जिसको 30,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, 30,000 मिल रहा है तो उसको तो 30,000 ही मिलता रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, लेकिन मार्केट में मुद्रा का वैल्यू घट चुका है, इसी कारण से दाम बढ़ जाएगा चीज़ों का, ठीक है, ये तो सबसे आपको बुरा प्रभाव आपने देख लिया। बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है कि अगर मुद्रास्फीति आया है तो बेरोजगारी जाएगा, और अगर बेरोजगारी आया है तो मुद्रास्फीति जाएगा, ये आपको याद रखना है, दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन होता है, और अगर दोनों एक साथ आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, इसको बोला हम लोगों ने इन्फ्लेशन, लेकिन मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ आ जाए तो इसको बोलेंगे स्टैगफ्लेशन, ये भी आप याद रखना। और भारत में मुद्रास्फीति की माप कैसे की जाती है, ये भी आपको याद रखना है, भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा की जाती है, किसे की जाती है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके द्वारा की जाती है भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की माप, ठीक है। तो लेकिन यहां से दोनों अगर आपको ऑप्शन में दे दें, यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, ये जो अभी मैं बोल रहा हूं इसको आप क्लियर कर लेना कि अगर दोनों आपके ऑप्शन में रहे तो आप क्या मारोगे, आप मारोगे थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक वाला आपका आंसर सही होगा। देखो दोनों है लेकिन जो व्यापक रूप से यूज होता है, जो ब्रॉडली यूज होता है, वो है थोक मूल्य सूचकांक, तो दोनों ऑप्शन में है तो थोक मूल्य सूचकांक आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था कि किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी, यानी इन्होंने ये कहा था विकासशील देशों में रोलिंग प्लान ठीक है, किसने कहा था, ये कहा था गुन्नार मेडल ने, किसने कहा था, गुन्नार मेडल ने। रोलिंग प्लान की अवधारणा को भारत में कब अपनाया गया था, यह अपनाया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा बात आपको याद रखना है कि विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी गुन्नार मेडल ने, लेकिन रोलिंग प्लान ये दिया हुआ किसका है, किसका देन है, ये है रंगनर नर्ट्स, ठीक है, एक इंसान थे, इकोनॉमिस्ट थे, रंगनर ठीक है, रंगनर नर्ट्स, ये आप याद रखना, रंगनर नर्ट्स, इन्होंने रोलिंग प्लान को ईजाद किया और इसके विकासशील देशों में इसकी हिमायत की थी किसने, गुरनार मेडल ने, ये आपको याद रखना है। इसकी एक बुक थी ठीक है, जो बहुत फेमस हुई गुरनार मेडल की, वो कौन सा बुक था, वो था एशियन ड्रामा, कौन सा,
एशियन ड्रामा, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है, तो एशियन ड्रामा ये गुरनाल मिडल की पुस्तक है और ये बहुत फेमस है। इसमें इन्होंने एशियाई देशों में फैली गरीबी की समस्या का विवरण दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है कि हमारे यहाँ पे कौन सा था पंचवर्षीय योजना, तो वो था पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इन सारे बातों को आप याद रखो। अगला क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे तो यही पूछा जाता है, शिवाजी के 8 मंत्री के परिषद को क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था अष्ट प्रधान। लेकिन इसका प्रधान कौन होता था, अष्ट प्रधान का प्रधान कौन होता था, तो ये होता था पेशवा। कौन होता था, पेशवा। तो ये आपको यहां से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है, तो ये है पालक। पालक में अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पालक में आपका पाया जाता है आयरन, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियों को जो निषेधाधिकार यानी एक वीटो पावर है, आप सब जानते हो कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ में एक वीटो पावर होता है, जो आपको आप जानते हो कि वीटो पावर क्या होता है, ये होता है कि किसी भी चीज को वो लोग नकार सकते हैं, अगर कोई पॉलिसी बनना है या कोई बिल आया हुआ है वो लोग नकार सकते हैं और कोई उनसे सवाल जवाब नहीं करेगा आपने ना क्यों बोला, और अगर वो नकार देते हैं तो वो फिर बिल पास नहीं होगा। ठीक है, तो वो 5 महाशक्ति जो है परमानेंट मेंबर्स जो है 5, उनके पास ये है, लेकिन वो कहाँ पे इसका यूज करते हैं, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां वीटो पावर का कहाँ यूज करती हैं, ये यूज करती हैं सुरक्षा परिषद में। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं, सुरक्षा परिषद में। और यूएनओ कब अस्तित्व में आया ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपका 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। अब देखो 1945 बहुत पुराना हो गया है, अब 24 अक्टूबर आपको याद रखना है, ऐसे भी जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो सबको ये पता होगा 24 अक्टूबर को हम लोग यूएनओ दिवस भी मनाते हैं और उसी दिन यूएनओ अस्तित्व में आया था। और यूएनओ का पहला जो महासचिव थे वो कौन थे, वो थे त्रिगवेली, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को, ये आपका अब करेंट से क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को विश्व के पहले पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा दिया गया है, दर्जा प्रदान किया गया है, तो कौन सा राज्य है, वो है सिक्किम, जिसको विश्व का, ये भी आप ध्यान से रखना, इसको विश्व का पहला पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा मिला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2018 में भारत को क्या रैंकिंग मिला था, हंगर इंडेक्स 2018 इसमें भारत का रैंक था 103 और ये बहुत ही बुरा हालत है। ठीक है, एक्चुअली में जो भारत है ये अपने आस पड़ोस के देशों से भी पिछड़ा हुआ है, जैसे आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, इन सब से भी पीछे है हंगर इंडेक्स में, तो ये एक बहुत ही बुरा न्यूज़ है, अपने करंट अफेयर्स में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के टेस्ट में ये था आज का टेस्ट का 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा, आज मैंने थोड़ा इजी लेवल के भी क्वेश्चंस लिए थे ताकि आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर लो। देखो मिक्स्ड क्वेश्चंस आते रहेंगे, हर एक फील्ड से आते रहेंगे, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन आप आंसर सॉरी आप अपना मार्क्स जरूर कमेंट किया करो और आपको कैसा लगा वो भी कमेंट किया करो। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं अगले टेस्ट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।